कभी हीट स्ट्रोक का कहर झेल रहे बिहार की ऐसी तस्वीरें देखकर आप भी सोचने लगेंगे कि क्या ये बिहार की ही तस्वीरें हैं। एक रात की बारिश में भी ऐसा मंजर देखने को मिलेगा। पहले बिहार ने गर्मी की मार झेला और अब पहली बारिश ने ही बिहार में कई जगहों पर तस्वीरें ही बदल कर रख दी है। एक रात की बारिश किसी जगह के लिए आफत बनकर बरसी, तो कहीं बारिश की वजह से निगम की पोल खुलते हुए नजर आए, कहीं बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई तो कहीं मौत वाली बारिश साबित हुई। बिहार में मानसून के सक्रिय होने से मौसम का कहर देखने को मिला। बीते 24 घंटे के भीतर राज्य भर में वज्रपात से 9 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं पटना, दरभंगा, पूर्णिया, खगड़िया और वैशाली समेत कई जिलों के शहरी इलाकों में जल जमाव से लोग परेशान हो चुके हैं। जल निकासी न होने के कारण टोले मोहल्ले के सड़कों पर घुटने भर जल भरा हो गया है और मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 4 दिनों तक पूरे बिहार में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए पटना के कई प्रमुख स्कूल ने शुक्रवार को पठन पाठन बंद रखने का आदेश दिया है। शनिवार के बाद मानसून में थोड़ी स्थिरता आने की संभावना है। पटना समेत राज्य भर में गुरुवार को मानसून की सक्रियता के कारण झमाझम बारिश हुई है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से शेखपुरा में 2 बच्चों की और जमुई में 1 बच्चा, मुंगेर में किशोर, लखीसराय, भागलपुर और खगड़िया में 1-1 शख्स की मौत हो गई है। गया में 1 किसान की वज्रपात से जान चली गई है। मौसम विभाग ने पश्चिमी पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण और गोपालगंज के अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं पटना, गया, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज, जमुई, मुंगेर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और औरंगाबाद समेत 33 जिलों के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। इस दौरान कई इलाकों में वज्रपात और मेघ गर्जन का भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से घर में रहने की अपील की गई है। लोगों से मौसम खराब होने पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। साथ ही साथ राजधानी पटना में गुरुवार को हुई बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है और सड़कें लबालब हो गई हैं। मौसम खराब होने की वजह से पटना एयरपोर्ट पर 3 विमानों की लैंडिंग देरी से हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर भी देरी से लखीसराय के लिए उड़ा और बिहार में मानसून के सक्रिय होने से मौसम का कहर भी शुरू हो चुका है। बीते 24 घंटे के भीतर राज्य भर में वज्रपात से 9 लोगों की मौत हुई है और 30 जून से 3 जुलाई तक मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।